चुनावी आंदोलन जीवी फिर से मैदान में कूद पड़े हैं। मिशन 2024 के लिए रोलर चलाने का काम इन्हें फिर से मिल गया है। ये जो रोलर चलाने वाले, पिच तैयार करने वाले, ये जो तनखैया है ना, वो दिल्ली के चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं पहले की तरह। रोलर चलाया हमने, और रोलर चलाया इसलिए कि फास्ट बॉलर को मदद मिले, सीमर को, लेकिन बॉलिंग करना हमारा काम नहीं। रोलर चलाने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मोदी के खिलाफ खूब जहर उगलने की कोशिश की थी, याद है? इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला करके पूरे उत्तर प्रदेश में ये मैसेज दिया कि इस चुनाव में किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी को सजा दें। ये इच्छाधारी लोग हैं जो कभी मेडिकल एक्सपर्ट, कभी कॉरपोरेट एक्सपर्ट, कभी किसान एक्सपर्ट, कभी सेफोलॉजिस्ट, कभी सामाजिक कार्यकर्ता, ये कुछ भी बन सकते हैं, इच्छाधारी लोग हैं। और याद रखिए, ये एक ऐसी पिच तैयार कर रहे हैं जहां एक साथ 5 लोग बॉलिंग कर सके। पुरानी बात भूलिएगा नहीं, जरा सुन लीजिए। बैटिंग बॉलिंग हमारा काम नहीं है, पिच तैयार करना है। पिच को थोड़ा टेढ़ा जरूर कर सकते हैं, वो हमने किया। और योगेंद्र यादव जैसे आंदोलन जीवी ये पिच क्यों तैयार कर रहे हैं? और पिच इसलिए तैयार कर रहे हैं कि एक ऐसी गाड़ी चल सके जहां 5 ड्राइवर होंगे, 5 अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी ताकत ज्यादा होगी वो उधर ही घूम जाएगी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप ये रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट काफी पुरानी है, लेकिन आपको समझनी होगी इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। संजय सिंह अभी से सुझा रहे 5 साल 5 PM का फॉर्मूला, यानी योगेंद्र यादव के पूर्वा का, केजरीवाल एंड कंपनी देश में अराजकता फैलाने का जो एक मंत्र लेकर आई थी ना, उसी मंत्र पर ये लोग चलने लगे हैं। और क्या फॉर्मूला था इस रिपोर्ट में, आप देखिए क्या लिखा है। इसके मुताबिक संजय सिंह का कहना था कि लोकसभा चुनाव में अगर NDA को बहुमत नहीं मिलता है, माने मोदी जी हार जाते हैं, तो 5 साल 5 प्रधानमंत्री के फॉर्मूले को अपना कर स्थिर सरकार चलाई जा सकती है। इसके लिए नतीजे घोषित होने के अगले 48 घंटों के अंदर विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर फैसला लेना पड़ेगा और राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा करना होगा। आप नेता ने कहा कि इसे लेकर बातचीत चल रही है, अगर सभी इस फॉर्मूले से सहमति रखते हैं तो इसे अमल में लाया जा सकता है और जिस पार्टी के पास ज्यादा सांसद होंगे उसे पहला प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिलेगा। तो ये है था इनका फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पर आज भी काम चल रहा है और आज इस वीडियो में मैं इसी अराजकतावादी साजिश का विश्लेषण करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल, विपक्ष के अराजकतावादी सपनों के भारत में आपका स्वागत है। यहां पर आंदोलन जीवी तैयार हो गए हैं मिशन 2024 के लिए। कैसे तैयार हो गए हैं ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि जो पिच तैयार हो रही है उसके इर्द गिर्द कौन है, ये आपको जानना जरूरी है। ये जो पिच बन रही है ना, रोलर चला रहे हैं योगेंद्र यादव और बाकी लोग, उसमें फास्ट बॉलिंग करेंगे KCR, और जो स्पिन गेंदबाजी है उसके लिए आएंगे शरद पवार। एक एक नाम आप याद रखिएगा। और बाउंसर फेंकने के लिए ममता दीदी को बुलाया गया है। हो सकता है राहुल गांधी विकेट कीपर बन जाए, क्योंकि अगर खेल गड़बड़ होगी ना तो क्या करेंगे पता है, विकेट ही उठा के चल देंगे। लो जी, कौन खेलेगा, क्या खेलेगा, ये तो अलग ही मामला है। और जो अरविंद केजरीवाल होंगे वो क्या बनेंगे, जरा सोचिए। वो बनेंगे अंपायर, क्योंकि वो जो बाकी लोग खेल रहे होंगे तुरंत तुरंत आउट दे देंगे, और जब खुद खेलेंगे तो खुद ही अंपायर रहेंगे, तो अपने को आउट ही नहीं देंगे। तो ये है पूरा का पूरा 5 जो अराजकतावादी, मैंने एक मानसिकता, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, ये स्थिति बनने वाली है। अब कैसे बनने वाली है ये भी आपको जानना जरूरी है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं रोलर चलाने वालों का हाल दिखाता हूं। ये कौन से लोग हैं, ये दिल्ली की सड़कों पर महीनों तक किसान आंदोलन के नाम पर एकदम से, जैसे कहते हैं ना, अराजकता फैलाना और मैंने ग्रांटेड लेना, जनता को एकदम से परेशान कर देना, ये सब करने के बाद और चुनाव में बुरी तरह से हार जाने के बाद भी ये लोग फिर से सक्रिय हो उठे। अब इनके सामने एक बड़ा मिशन है 2024
24 का। इस समय क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट खबर आपको दिखा रहा हूं। किसानों के हितों की रक्षा करने की आड़ में राकेश टिकैत एंड कंपनी फिर से दिल्ली आ पहुंची है, महापंचायत कर रहे हैं और जानते हैं क्या कह रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए, वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नई क्रांति की बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत अपने घर में चुनाव हार गए, अपने गांव में चुनाव हार गए, ये है इस आदमी की हकीकत। और ये प्रधानमंत्री मोदी की के खिलाफ क्रांति की बात कर रहे हैं, लेकिन क्रांति क्या होगी ये तो लोग जानते हैं। लोकतंत्र में तो देखिए, आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि यार ये आदमी बार बार ऐसे कर रहा, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र है, कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं। ममता का राज होता, दूसरा राज होता ना, तो समझ में आ जाता ये बार बार करने का क्या असर होता है। खैर छोड़िए, ये क्रांति क्या करेंगे आप देखिए। इस चुनावी क्रांति से पूरी दिल्ली जाम से हलकान हो गई। एक तरफ राकेश टिकैत का गैंग, तो दूसरी तरफ जानते हैं योगेंद्र यादव जी का गैंग, ये भी सक्रिय है। आप ये ट्वीट देखिए, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और लोगों को जोड़ा। अब इसमें एक शख्स कौन है वो भी देख लीजिए, योगेंद्र यादव हैं। जो व्यक्ति अब तक चुपचाप माने निष्पक्ष बताते हुए रोलर चला रहा था ना, बड़ी बेशर्मी से कांग्रेस की इस रणनीति में शामिल हो गया है। 2024 के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और इस बार ये जो है खुल करके शामिल हो गए, मतलब इतनी भी शर्म लिहाज का ख्याल छोड़ दिया है। वैसे हर किसी ने देखा दोस्तों कि योगेंद्र यादव हो या फिर राकेश टिकैत, चुनाव ने सबकी पोल खोल कर रख दी और सारे चुनाव में ये स्थिति देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश समेत जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ उसमें इसकी हकीकत लोगों को सामने दिख गई। वैसे सही मायने में कहा जाए तो 2020 का किसान आंदोलन लेफ्ट लिबरल राजनीतिक दलों की एक साजिश थी, जिसकी शुरुआत जानते कहां हुई थी, 2019 में ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक महारैली की थी। इस महारैली में जानते हैं सारी पार्टियां जो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव में खड़ी होती थी, वो सारी पार्टियां इकट्ठा हुई थी। 23 राजनीतिक दल एक मंच पर उपस्थित हुए थे। आप ये तस्वीर बड़े ध्यान से देख लीजिए, ये है साजिश जो 2019 में भी जिसकी शुरुआत हुई थी। और इस महारैली में सभी नेता प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ रहे थे। मोदी जी एक तरफ देश के लिए लड़ रहे थे कि देश आके कैसे बढ़े, और जो बाकी नेता हैं, बाकी दल हैं, वो मोदी के खिलाफ लड़ रहे थे कि कैसे मोदी को रोके, और जनता इस चीज़ को भांप चुकी थी। और यही वजह है कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार से पूरे देश में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, बहुत बड़ी विक्ट्री। माने भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर कोई नेता दूसरी बार चुनाव लड़े और पहले से ज़्यादा सीट लेकर आए, ऐसा कभी नहीं हुआ पूरे इतिहास में। तो ये है जनता की सोच और प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली। लेकिन 2019 से इतर इस बार मामला अलग है। पहले तो ये लोग एक साथ हो गए थे, इस बार ये लोग अलग अलग हैं और संगठित होकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। अब कैसे, ये मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मोदी जी ने, जैसे ही अभी 15 अगस्त वाली बात आपको ध्यान होगा कि उन्होंने कहा कि इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ जब हम एक्शन लेंगे तो आप भी ध्यान रखिएगा, जनता से आह्वान किया था। और सिसोदिया के खिलाफ जैसे ही ये जांच शुरू हुई तो क्या हुआ, सीबीआई जांच शुरू होते ही ये लोग 2024 की रट लगाने लगे। अब देखिए ना, दिन भर टीवी डिबेट में यही चल रहा है, भ्रष्टाचार की बात ही नहीं हो रही। कोई कह रहा है 2024, कोई कह रहा है मोदी, कोई कह रहा है हमें भाजपा से तो वो था। और आप देखिए कि खुलेआम इनके नेता नैरेटिव बदलने के लिए मोदी बनाम केजरीवाल की रट लगा रहे हैं। आप एक छोटी सी बाइट सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी का इलेक्शन होगा 2024 का, भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी का इलेक्शन होगा 2024 का। अब ये तो केजरीवाल की स्थिति है। अब दूसरे प्रधानमंत्री के दावेदार पे आइए, जब बिहार में नीतीश कुमार शासन व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से नाकाम हो गए तो उन्होंने क्या किया, भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया, क्योंकि उनकी भी जो महत्वाकांक्षा है ना वो हिलोरे मारने लगी, उन्हें भी प्रधानमंत्री बनना है। और उनके लिए जो रोलर चलाने का काम है वो वहाँ पे तेजस्वी यादव कर रहे हैं। आप देखिए, तेजस्वी ने सीएम नीतीश को बताया
मजबूत पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी से कहा, बिहार पर दीजिए ध्यान। अच्छा, ये वो तेजस्वी यादव है, इनका एक पुराना बयान सुनाता हूँ, जो कटाक्ष करते हैं। नीतीश कुमार को पलटू चाचा तो इन्होंने ही नाम दिया था, और ना जाने क्या क्या कहा, और प्रधानमंत्री बनने के मुद्दे पर नीतीश के लिए क्या कहा, ये भी आप जरा सुन लीजिए। अब बीजेपी के लोग तय करें कि 40 सीट वाले को पीएम मटेरियल योग्यता मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री जी तो थके हुए मुख्यमंत्री हैं, बिहार की क्या दुर्दशा की है उन्होंने, आप दूसरी और तीसरी नंबर की पार्टी वो डिसाइड करें। लेकिन तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री बनते हैं, लालू यादव की शक्ति लौट आई, और मतलब उनकी बंद आवाज़ भी खुल गई, वो खुलकर एकदम से ताल ठोक रहे हैं नीतीश के लिए। कल तक गरिया रहे थे, अब बोल रहे हैं कि यही प्रधानमंत्री पद के सच्चे दावेदार हैं, मोदी को हटाना है। आरजेडी सुप्रीमो आप रिपोर्ट देखिए, लालू प्रसाद यादव एजेंडा फॉर लोकसभा इलेक्शंस 2024। और ये जानते हैं लालू यादव कौन है? ये वही लालू यादव हैं जो एक समय कहा करते थे, आप रिपोर्ट देखिए, वन डे आई विल बिकम पीएम सेज लालू। ये है दूसरे उम्मीदवार की स्थिति, नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के लिए रोलर चलाने वाले लोग। और इन सब के बीच हो सकता है कि आप राहुल गांधी को भूल गए, लेकिन जल्द ही राहुल बाबा नई जड़ी बूटी के साथ फिर से सामने प्रत्यक्ष आ जाएंगे, और फिर वो मोदी के खिलाफ एकदम ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। याद रखिए, उन्हें भूलिए मत, वो तो सीधे सीधे कहते हैं कि 2024 के लिए कांग्रेस ही सबसे बड़ी चुनौती है, और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता तो वो खुद ही हैं। और ये बात आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले कैसा माहौल बनाया था कांग्रेसियों ने, ये तो आपको याद होगा। और राहुल के मुताबिक इसीलिए मोदी जी चूंकि उनसे डरते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अभी जो जितनी कार्रवाई हुई उसमें यही एक बात निकली कि 2024 में राहुल गांधी बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं, इसीलिए सोनिया राहुल के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। लेकिन राहुल गांधी को जो असली चुनौती मिल रही है वो तो ममता बनर्जी से मिल रही है। आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी की हवा निकाल दी उन्होंने, और अपने आप को विपक्ष का चेहरा घोषित करने की कोशिश की है। विपक्ष का प्रमुख चेहरा बनने की होड़ में ममता बनर्जी ने क्या किया? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का जब चुनाव हो रहा था, तुरंत उन्होंने एक बैठक बुलाई, सारे विपक्षी नेताओं को उस बैठक में बुलाया गया, और उसके बाद धड़ाधड़ उन्होंने अपना एक उम्मीदवार घोषित कर दिया। कांग्रेस पीछे रह गई, अब कांग्रेस क्या करे? तो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का जब चुनाव होने लगा तो कांग्रेस फिर वही काम किया कांग्रेस पार्टी ने, उसने तुरंत एक बैठक बुलाई, अपना उम्मीदवार घोषित किया, और इस बार तृणमूल कांग्रेस को पूछा तक नहीं, कंसल्ट नहीं किया, और इस बात पे तृणमूल कांग्रेस जल भुन गई। आप देखिए रिपोर्ट में, ममता और कांग्रेस के बीच ये जो अगुवाई की लड़ाई है ना, ये चल ही रही थी कि 2024 में अपना भाग्य आजमाने के लिए एक और चेहरा सामने आया, और ये बहुत समय से आ रहा है, याद रखिएगा, ये हैं शरद पवार। शरद पवार चाह रहे हैं कि 2024 में विपक्ष को एकजुट करने का और उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले। ये तो एक दबी हुई इच्छा है जो रह रहकर बाहर आती है। तो ये हैं चौथे उम्मीदवार। अब मैं आपके सामने पांचवें उम्मीदवार की भी बात कर देता हूँ। ये साउथ से हैं, साउथ से भी कई सारे दिग्गज हैं, और पीवी नरसिम्हा राव तो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR सीधे मोदी जी से टक्कर ले रहे हैं। मतलब जिस तरीके से केजरीवाल चुनौती देते हैं, ममता देती हैं, उसी प्रकार से KCR है और पूरा जोर लगा रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को कमज़ोर कह दो तो हो सकता है कि कोई दांव चल जाए। और लगातार अब शब्दों की बारिश हो रही है, क्या क्या कह रहे हैं इस पर मैं एक वीडियो आपके सामने बना चुका हूँ। लेकिन अब दोस्तों याद रखिए कि ये जो पांच लोग हैं ना, राहुल हैं, ममता हैं, KCR हैं, शरद पवार हैं, इन सभी लोगों में जो व्यक्ति, जो शख्स इस समय मीडिया में छाया हुआ है वो है केजरीवाल। और केजरीवाल खुद को सबसे बड़ा दावेदार बता रहे हैं। और केजरीवाल के बारे में एक बात आपको ज़रूर जाननी चाहिए
कि देश में वो इकलौते ऐसे नेता, ऐसी पार्टी है जिसके एक सांसद लोकसभा में नहीं है। लेकिन देखिए कैसा माहौल बना दिया है, और इन परिस्थितियों में आपको आकर के केजरीवाल की अराजकता को समझना पड़ेगा। जब उनके एक राज्यसभा सांसद ने 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाने का फॉर्मूला दिया था। साथियों ये बात 100% सही है कि 2024 का चुनाव अपने आप में इस देश के लिए एक ऐतिहासिक चुनाव होगा, जिसमें एक तरफ राष्ट्रहित और जनहित के लिए अपना जीवन खपाने का प्रण लिए प्रधानमंत्री मोदी होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वो सारे नेता एक साथ होंगे जिनका देश हित से कोई लेना देना नहीं होगा, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा होगा, मोदी को हटाने का एजेंडा, मोदी को राजनीतिक रूप से खत्म कर देने का एजेंडा। उनका एकमात्र एजेंडा ये होगा कि जिस नए भारत की नींव प्रधानमंत्री मोदी रख रहे हैं उस नींव को कैसे तहस नहस किया जाए, अराजकता फैला दी जाए, और यही बात इस देश की आम जनता को समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।